जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं, उम्मीद है सब ठीक होंगे। तो आज हम एक हफ़्ते के बाद यहाँ पर हैदराबाद में शादी थी वो हमने अटेंड की, तो अब मैं जाने लगी हूँ इस्लामाबाद, तो इसलिए हम यहाँ से हैदराबाद से निकले हैं, कराची जा रहे हैं। और ये देखें, हम कराची रात को पहुँचे थे कोई 11:30 बजे, 11:30 बजे का टाइम है। तो अभी हमारी रात की फ़्लाइट है, तो हम अभी एक होटल में जाकर वहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट करेंगे और उसके बाद हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। तो आप मेरे साथ हैं, देखें। जी ये पाकिस्तान की बहुत ही खूबसूरत सिटी है कराची। सच कहते हैं कि ये रोशनी का शहर है, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हर तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगी हुई हैं, बहुत प्यारा शहर है। मुझे तो शहर बहुत पसंद आया। तो लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो मैं ये सारा घूमी फिरी थी दिन को, लेकिन इस बार मुझे इतना टाइम नहीं मिला, हैदराबाद चले गए थे यहाँ से डायरेक्ट। उसके बाद एक हफ्ते तक वहाँ पर शादी में बिज़ी रहे हैं, तो आज मेरी यहाँ से फ़्लाइट थी इस्लामाबाद के लिए, तो मैंने इस्लामाबाद जाना है, वहाँ से फिर मैंने मियांवाली जाना है, तो इसीलिए मैं रात को इधर आई। तो अब हम थोड़ी देर के बाद तकरीबन 5:30 बजे सुबह के हम निकल जाएंगे, क्योंकि 7 बजे की मेरी फ़्लाइट है। तो ये देखिए कितना खूबसूरत है। तो काश मैं दिन को यहाँ पर मज़ार कायद जाती और सारी जगह को आप लोगों को ब्लॉग बना कर दिखाती, लेकिन चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ आऊँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी। तो ये देखें कितनी खूबसूरत, सुबह के 6 बज रहे हैं। तो हम एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, क्योंकि मैंने इस्लामाबाद के लिए यहाँ से फ़्लाइट लेनी है, तो मेरी आज फ़्लाइट है, तो 7 बजे फ़्लाइट है, तो अभी हम 6 बजे यहाँ पहुँचे हैं। तो ये कराची का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये देखें जी, मैंने बोर्डिंग करा ली अपनी, बोर्डिंग पास ले ली है और अब मैं लॉन्च में जाकर बैठने लगी हूँ, तो वहाँ पर वेट करेंगे। तो आप मेरे साथ में देखते रहें।
ट्रेन हमारा लैंड कर चुका है इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, तो अब मैं बाहर जा रही हूँ। ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यहाँ मैंने अभी पहले तो दूसरी तरफ था, अभी मैंने मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आई हूँ क्योंकि ये अभी रिसेंटली ही ओपन हुआ है। इसके तो बहुत प्यारा बनाया है, बहुत खूबसूरत। मैंने अपना यहाँ से बैग लेना था, इसलिए यहाँ पर मैं अपने बैग का वेट कर रही हूँ। देखिए माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, और इस्लामाबाद तो बिल्कुल चेंज हो गया है, देखिए तो सही। हर तरफ इस्लामाबाद रहे हैं, तो अब मैं जा रही हूँ मियांवाली। तो इस्लामाबाद के मैंने अभी कोई ऐसे व्लॉग्स वगैरह नहीं बनाए जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, तो वो इंशाल्लाह मैं दोबारा फिर एक हफ्ते के बाद जब इस्लामाबाद वापस आऊँगी तो मैं आपको इस्लामाबाद की बहुत सी खूबसूरत जगहें दिखाऊँगी। तो अभी हम मियांवाली जा रहे हैं, वहाँ पर मेरे घर वाले वहाँ रहते हैं, तो मैं अब उनको मिलने जा रही हूँ। यहाँ मेरे ससुराल रहते हैं इस्लामाबाद में, मियांवाली में मेरे मैकर रहते हैं। ये इन्होंने नया रोड बनाया है इस्लामाबाद से मियांवाली तक, ये देखें ये दौड़ खैर से होकर जाता है, बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर आठ साइडों पर बहुत प्यारी जगह है, ये सी पैक का एक हिस्सा है, सी पैक इन्होंने बनाया है यहाँ पर। तो ये मोटर वे है, पहले तो मोटर वे जाती आते उसमें ख़त्म हो जाती थी, फिर पिंडी तक जो है वो रोड दूसरा होता था, लेकिन अब वहाँ से पिंडी से ही मियांवाली तक ये पूरा मोटर वे ही होता था। अब इसका जो डिस्टेंस है वो भी कम हो गया, यानी कि पहले 4 घंटे लगते थे, तो अब जो है तकरीबन 3 घंटे या 3 घंटे से भी कम टाइम लगता है। देखिए हम साइड पर कितना खूबसूरत व्यू है, यहाँ पर इस जो नया रोड बने इसके जो रूट है इस तरफ का, ये बहुत खूबसूरत चीज़ है। इस तरफ
बहुत ही प्यारा शहर है। तो ये जो अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, जहाज चौक से हम अपने घर का रास्ता लेंगे। आप देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा इन्होंने चौक में जहाज लगाया हुआ, बहुत खूबसूरत जगह।